Good morning, Ritu. छोटी बस 3 days और स्कूल और फिर कितने दिन की छुट्टी? 9 days की छुट्टी. हाँ 9 days की छुट्टी. गुड मॉर्निंग अजी, क्या हाल चाल है? जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं भी उठ जाऊँगा सुबह, तो हम उठ चुके हैं यार, थोड़ा सा लेट हो गए हैं. रिची को उठा रहा हूँ मैं, नहला धुला के तैयार करता हूँ, शी इज़ मेकिंग द ब्रेकफास्ट एंड फिर करते हैं दिन की शुरुआत. आज है मेरा ऑफ, तो मज़ा आने वाला है. पूरे दिन हूँगा मैं यहाँ पे, थोड़े से काम वाम है, 2-4 वो जाके करके आऊँगा एंड देन यू नो मिलते रहेंगे आपसे. दारू सेठी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? अच्छा सूख गई हैं, कुछ तो अलग हो रहा है ना, शायद डायरेक्शन अलग है, राइट चेंज होना होगा. ये ऐसे जाएगा ये? यस, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड बोलते हैं ना, वही वाला काम हो रहा है. मजाक कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग एल्स गाइस. चलो दाऊ सेठी आ चुके थे, वो ठीक कर रहे हैं, रिची को हम तैयार करते हैं. आज मेरी फेवरेट बनी है चावल की परौंठी. आज ऑफ था तो मैंने कहा मम्मा चावल की परौंठी बनवा देना, तो मम्मा ने चावल की परौंठी बनवाई है, मदद ने बनाई है. ओहो भाई किलर लग रही है, किलर मस्त, मज़ा आ रहा है खा के. चलो खाते हैं फिर रिदा को लेके आते हैं. आज रिदा को सरप्राइज़ मिलेगा, उसको नहीं पता कि मेरा ऑफ है, तो शी विल बी एक्साइटेड देख के मुझे है पापा, लेट्स सी क्या बोलती है. गुड मॉर्निंग दादी सेठी, क्या हाल है आपके? बढ़िया. नाश्ता चल रहा है? प्याज ओ चावल की परौंठी ना, चावल प्याज. हाँ गाइस, आप लोगों के घर में बनती है क्या चावल की परौंठी? नहीं बनती है, बताना, क्योंकि काफ़ी कम घरों में बनती भी देखी है मैंने. हाँ मेरी फेवरेट है एक्चुअली. वैसे पंजाबियों के घर में तो जो रात को सब्जी बच जाए उसकी परौंठी बन सकती है, तो हमारे घर वालों ने टींडा और सीताफल भी एक दो बारी ट्राई किया, तो फिर उनको समझाना पड़ा, हंस रही है देखना उधर, तो फिर उनको समझाना पड़ा कि भाई इसकी परौंठी नहीं बन सकती, ठीक है, कम से कम इसकी परौंठी मत बनाओ, तब जाके वो थोड़े से बाज आए. नहीं तो उन्होंने तो सीताफल, भिंडी, टींडे, इन सब की परौंठी बनाने की कोशिश करी है एक किसी ना किसी टाइम पे. जोक सपाट, तो ये हो रहा है काम. और नवरात्रि की फील आ रही है सबको, मंदिर वंदिर जा रहे हो? अब तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, जैसे हाँ हो ही गया नवरात्रों के साथ, आते ही हो जाता है वो सीजन. नवरात्रों के बाद आ जाएगा अपना दशहरा, दशहरा के बाद आ जाएगा कड़वा चौथ, कड़वा चौथ के बाद आ जाएगी दिवाली, राइट. और मेरी रिट से मुझे छोड़ के जा रही है 7-8 days के लिए अम्बाला. पता है आपको, मेरी रिट्ची छोड़ के चली जाएगी मेरे को 7-8 days के लिए. मैं पता नहीं कितने सालों बाद खुला सांड होऊंगा 6-7 दिनों के लिए, ना माँ ना बेटी, तो देखते हैं. मैं सारी पार्टियां कर लूँगा भाई, जितने लोग मुझे बुला रहे थे ना सबके यहाँ चले जाऊँगा. ऐसा नहीं है कि मना करते हैं, बट आपको गिल्ट होता है ना, घर पे वो लोग हैं तो यू डोंट वांट टू गो अननेसेसरीली, तो वो वाला चक्कर है, तो देखते हैं. अम्बाला नहीं गई तो इसलिए उसको याद नहीं रहा. तो चलो अच्छा है, वो भी थोड़ा घूम आएगी, सिमर भी मम्मा से मिलाएगी, उसकी सिस्टर भी आई हुई है, तो सबसे मिल मिल के आ जाएंगे ये लोग. डार्लिंग अभी सो रही है. डार्लिंग यू फ्लाइंग टी. डार्लिंग फ्लाइंग टी ले लो, ले लो ले लो, आ जाओ. किधर रख दूँ, टेबल पे? इधर इधर रख दूँ, बिस्तर से हिलना नहीं है मतलब. आज एक दिन मिला दे दो. हाँ हाँ यार बिल्कुल लो, नहीं मिलना सारा दिन मिल के बुरी आदत ही हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल लो यार, इसमें क्या हो गया. चलो जी लेट्स गेट रिदा और उसके एक्साइटमेंट देखते हैं कि किस लेवल की एक्साइटमेंट है मुझे देख के. वैसे तो हो सकता है वो भूल ही गई हो कि मैंने बोला उसको मैं सरप्राइज दूंगा, बट हो सकता है कि ना भी भूली हो. गाइस इससे गजब बेइज्जती हो नहीं सकती वैसे, जो आज रिदा ने मेरी करी है. गाड़ी से उतरी और बस से उतरते ही बोल रही है पापा क्या सरप्राइज़ है. मैंने बोला व्हाट? अपने बस में से सबको बताया हुआ कि आज सरप्राइज़ है, मेरे पापा ने बोला दोपहर को. और जब मैं मिल गया तो कह रही है क्या सरप्राइज है रिची? क्या सरप्राइज है बेटा? पापा आए हैं आपको लेने आज. कोई और सरप्राइज है? अब तो मम्मा आती है आपको लेने, लेकिन अब पापा आए हैं तो मुझे लगा आपको सब सरप्राइज होगी. वाह पापा यू टेकन एन ऑफ, आप बोलते पापा यू टेकन एन ऑफ, वाह देख रहे हो क्या बेइज्जती हुई आज मेरी. बट कोई बात नहीं भाई,
बाबू घर से चला गया तो बाबू की वैल्यू ही खत्म हो गई है। सरप्राइज नहीं था बेटा कि पापा आएंगे आपको लेने। मैंने अभी हृदय को क्योंकि सरप्राइज नहीं था कि पापा आए हैं तो इसलिए मैंने उसको सरप्राइज लेके दिया मिष्टी दही, क्योंकि मैं तो सरप्राइज था ही नहीं हृदय के लिए। बूढ़ी भाभी कौन सी आ रही खांसी करते हुए? हाँ। मैंने सुबह बोल के भेजा कि आपके लिए आज सरप्राइज है। मतलब मैं आऊंगा लेने, मेरा मतलब ये था गाड़ी में उतरते कह रही पापा सरप्राइज है। नहीं पता चला ना पापा सरप्राइज ढूंढना है। अब रिदा को ये बहुत पसंद है। हाँ जी रिची, मैंने गाइस ये बनाया। ये आपने बनाया? हाँ। ये तो प्रिंटेड है। हाँ। तो फिर ये मैंने बनाया। ओ ये बनाया आपने? गाइस देख रहे हो आप, ओए होए रिची, इतना प्यारा घर काश हमारा हो जाए, एक पहाड़ों के पास, ऊपर ऐसी बर्ड जुड़ दी हो, पीछे पहाड़ हो और इतना कलरफुल घर हो, है ना? यू वांट दिस हाउस? अच्छा अगर मैं हिल्स पे जाऊंगा आप मेरे साथ चलोगे? हाँ, हमेशा के लिए रहना है? फिर वहाँ पे आपको स्कूल वूल कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी बस थोड़ी सी। आपको हॉस्टल में डाल देंगे? हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना सुंदर सन है और ये वहाँ पे डिजाइन है, ये ग्रास है, डिजाइन है। yes. और यहाँ ये हमारा घर है रेनबो वाला। yes. ये दोनों माँ बेटियाँ देखना आज क्या बन गई हैं। इसने लहंगा चोली पहन लिया, चश्मा पहन के, ऊपर क्राउन लगा के, और इसकी माँ दिखाता हूँ। बाप का ऑफ क्या है, ये तो सजने सजने लग गई है दोनों। ये सोचते हुए कि भाई आज पता नहीं क्या हो गया। ये देखो गाइस, ये पिंक सूट, She is wearing a suit today. मेरे घर पे रहने का इफेक्ट देख रहे हो आप? दोनों बाप हमारे लिए, हम सजे हैं। हाँ, मेरे लिए सजे हैं। आज बना है आलू गोभी और करेले की सब्जी, मजा आने वाला है। गाइज आप लोग ऐसे किसी फैमिली को नहीं देखते हो, आप देखते हो वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया को। देख रहे हो गाइस कितनी घड़ियां हमारे घर में खराब पड़ी हैं। मतलब मुझे अभी रियलाइज किया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और मैं एक और यहाँ पे पड़ी है 13। तो 13 घड़ियाँ आज मैं जाने वाला हूँ देने के लिए, ठीक करने के लिए। ये रही 13वीं, देख रहे हो? एंड सारे आर लाइक वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, कैन यू सी? ये वाली तो मुझे खासकर बहुत अच्छी लगती है, रोलेक्स, दिस वाज फॉर 230 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया वाली। लेकिन बाकी सारे ओरिजिनल हैं, तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स की घड़ियाँ पड़ी हैं। बट अब मुझे ऑफिस शुरू हो गया तो मैं सोच रहा हूँ इन सबको ठीक करा लूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक ही घड़ी पहन रहा हूँ, मेरी एक ही घड़ी चल रही है, जबकि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसमें मेरी हैं। अभी आज देते हुए जाएंगे रिदा को जब स्केटिंग के लिए ले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद शाम को देखता हूँ अगर वो दे देता है इतनी देर में, या फिर कल देता है तो कल देंगे। और ये जूते भी निकल गए हैं जो कि ख़राब हो रखे हैं, इनको भी ठीक कराना है। कितने दिनों बाद ये फ्रेम मिल रहा है आपको गाड़ी में स्केटिंग जाते हुए? आया है शुभ दिन आज। ये भी अब शुरू कर दी थी कल से, जैसे आपको दिखाया था, तो हम लोग बस अब जा रहे हैं स्केटिंग करने, और आपको वो फेवरेट वाला आपका सीन दिखा दूँ जल्दी से। तो गाइस देख सकते हैं आगे गाड़ी के गंदे शीशे, शीशे बिल्कुल साफ है, इसने अपनी मम्मी की आदत पकड़ ली है। बिकॉज यू सेड आपका फेवरेट सीन ये सन का होता है, यहाँ से सनसेट दिखाते हैं, और मेरा जो पुराना ऑफिस है वो दिखाते हैं, वो सामने पूरा लेफ्ट साइड में और सन है राइट साइड। कई चीजें कभी नहीं बदल सकती ना। और ऊपर से जा रही मेट्रो, देखा क्या टाइमिंग थी। मैं इनको छोड़ूंगा और फिर उसके बाद जाऊंगा मैं अपने जूते ठीक कराने और वॉचेस ठीक कराने, और फिर मैं इनको शाम को आके वापस पिक कर लूंगा। तो पहला काम हुआ पूरा, मैंने अपने जूते भी दे दिए हैं जो मैंने पहने हुए थे, मेरे फ्लोरोसेंट कलर के स्पोर्ट्स शूज वो भी ख़राब हो रहे थे नीचे से, भाई ने मुझे दिया चप्पल। और अब मैं जा रहा हूँ घड़ी देने, घड़ी वाले के साथ मज़ा आने वाला है। वहाँ पे बोलेगा भैया क्या कर दिया, सारे घर की घड़ियाँ ले आए क्या, कितने साल से हैं ये घड़ियाँ, लेट्स सी कितनी ठीक होती हैं उसमें से। सबका टाइम देख रहे हो सेट हो गया, 6:20 बजा रहे हैं सारे की सारी, 13 घड़ियाँ भाई 13, उनमें से एक निकली ख़राब ये रही अंदर, और बाकी सारी भाई साहब ने ठीक कर दी हैं। तो रिची और सिमर आ गए हैं, नहीं देख दिखा दो एक बारी, मैं देख ही लेता हूँ। हाँ जी, हाउ वाज द क्लास रिची? नाइस। हाँ, यू बिहेव टुडे, आर यू श्योर? चप्पल नीचे रखो, मैं अभी गाड़ी साफ कराई है। सो जूते वूते साफ हो गए हैं, अब देखना भैया कितने पैसे हुए भैया, अब देखना 300 पहले बोले 280, उसके बाद स्पोर्ट्स शूज बढ़ गया, सिलाई बढ़ गई। अच्छा, जिन्हें ये टोपी बिल्कुल दिल पे ले ली है,
छोड़ती नहीं है ये बिना पहने। टोपी नहीं है भाई, इट्स अ क्राउन, इट्स कॉल्ड क्राउन, इट्स द सेम थिंग। मैंने तुम्हें इतना समझाया, इतना पढ़ाया, फिर तुम मतलब क्राउन को टोपी बोली जा रहे हो। चलो इधर, गुड नाइट, बाय बाय, से गुड नाइट टू एवरीवन। चलो बाय बाय। On my drums, very good, Rita. Proper theater से जाए वहाँ पे सुन रहा। हो गई यार, हो गई। ओ पढ़ लो यार, पढ़ लो। ऐसे करते हैं। बोलनी होती है ये। ऐसे डांस करते हैं। I think she's lost her mental balance. She's acting weird सुबह से ना। हाँ, you are at home. देखा गाइस, you are at home, that is why they are not liking it anymore now. तीस दिन बाहर गया मैं और इनको मैं एक दिन घर में चुपता हूँ। दादू सेठी हैज कम फ्रॉम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच। हाँ जी पापा, 107 पे ऑल आउट कर दिया उनको। अच्छा। 9 रन पे 5 विकटे थी वो, बट फिर भी वो 107 बना गए। इनका फेवरेट फूड आ गया दादी का और रिदा का। अरे पापा, आप ये जीरा पी रहे हो ना, दिस इज नॉट गुड। नहीं नहीं, मैं ऊपर ला रहा हूं। अच्छा, और हम पिए जा रहे हैं। मैं तो रोज, हाँ दिन में दो दो पी रहा हूँ मैं। एक ये नहीं बाजा सकती कभी भी। हेलो, सो गाइस, आज एक और बहुत हेल्दी चीज बन रही है। ये बन रही है सैलेड, जो हमने उस दिन काले छोलों के साथ बनाया था, आज सफेद छोलों के साथ और राजमा के साथ भी बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये सैलेड्स बहुत ही मस्त होती हैं यार, मतलब मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना ये लेंटिल्स वाली जो सैलेड्स हैं, मतलब राजमा के साथ, ब्लैक चना, वाइट चना, इनके साथ बना के देखना कभी घर में, यू गाइस विल लव इट। पता है, इसमें नींबू डालो, पनीर डाल लो, प्याज, टमाटर, खीरा डाल लो, तो मजा ही आ जाता है। तो बस यही बना रहे हैं यार, सबके लिए देता हूँ। रिदा सो चुकी है, ऊपर से फोन आ चुका है सिमर का। लॉट ऑफ रील्स वी हैव टू मेक, क्योंकि सिमर इज गोइंग टू अम्बाला, जैसे मैंने आप सबको बताया था। तो रेगुलर होना है और अब इंस्टाग्राम पे बिल्कुल रील्स आनी है रोज, तो इसलिए बहुत सारी रील्स बनानी है। हमारा एक घंटे का काम है एंड देन आई विल गेट बैक टू वर्क विद हर। द फ्लाइंग सेठी प्लेट इज रेडी और ये जा रही है मम्मा, पापा और मेरे लिए, और अभी सिमर के लिए ऊपर लेके जाऊंगा बाद में। द एक्सेलेंट चिक पी सैलेड, सैलेड है जी, सैलेड। ये डिनर होना चाहिए वैसे हमारे कायदे से रोज, बहुत हेल्दी हो जाएगा। भाई इन्होंने भी हालत बुरी कर रखी है, 38 पे 2 हैं और ओवर हो गए हैं 8-9। भाई मैं इसको मान गया, ये एक बच्चा नहीं है, 3 बच्चे पढ़ा रही है। दीदी का बेटा कुंवर को, भाई का बेटा गुरमन को और रिदा को भी, दिन में 3-3 बच्चे पढ़ा रही है। मैं सोच रहा हूँ इसको बोलूँगा ट्यूशन ही स्टार्ट करते हैं, पैसे तो आएँगे कम से कम, है ना, इतना एफर्ट करने का। भाई और बहन से मांग ले महीने के 5,000 रुपए, क्या बोलते हो? एल वेव्स और सरफेस वेव्स। चलो एक बार दोबारा बता दो, कौन कौन से, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स? कभी पता नहीं था मुझे, इंग्लिश भी बोल लेगी इतनी। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेरी गुड। एल वेव्स और सरफेस वेव्स। गुरमन सिंह इज जी वेव्स। क्या हाल है तेरे? ठीक हूं। बुआ ने ऐसी तैसी करी हुई है। बूजी आ रही है तेरी, अभी तो तुझे ऑनलाइन क्लास दे रही है, 3 दिन बाद तेरी जो हालत होने वाली है ना गुरमन, मैं बता नहीं सकता। अब अपनी छुट्टियां खत्म, तेरी छुट्टियां शुरू हो रही है ना, तेरी छुट्टियों का जो भूत बनाएगी ना तेरी बुआ, तुझे पता चल जाएगा। हाँ वो तो है। रात के 12 बजे लाइटें निकलती हैं, रात के 12 बजे रीले बनती हैं, तूने जो ग्लास तोड़ दिया भाई, 500 रुपए का ग्लास ना हुआ वापस, ना हुआ इस्तेमाल, एक बार भी इसमें ना पिया गया दूध ना कुछ, और ये तोड़ दिया गया है। और बना रहे रीले, देख ले यार, इसने बना मैं इसका अच्छा वाला है, इसका अगेंस्ट स्वेटर ला रहा था। स्वेटर तुझे पहली बात तो तेरी, इट वाज अ रॉन्ग परचेज, दैट तेरी हाई लगी थी पहले दिन इसको देख के, ठीक है। हाँ। तू चाहती थी यही कि ये टूट जाए, तोड़ दिया यार तूने, मैंने नहीं तोड़ा है इसको, और मैंने ये फोन पर कैसे पकड़ा हुआ है, रील रील जो आएगी ना आप देख लोगे क्या हुआ था। हमने इसका ना ओरिजिनल भी डाल रहे हैं हम इसका, की व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। तो जब आप ये देख रहे होगे तो कल ये रील डल चुकी होगी, सो डू वॉच इट। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की गुड नाइट, हो जाइए खड़े। ये मेरे स्कूल का मोटो होता था, बी योरसेल्फ, तभी मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, खासकर जो आपके साथ में लेफ्ट साइड में बैठे हैं। नो डिपेंडेंसी ऑन एनीबॉडी, अपना काम खुद करो। तभी मैं भी जा रही हूँ अपना 10 दिनों के लिए, आई एम गोइंग गाइज।
बड़ा खुश दिख रहा है बंदा, कोई बात नहीं जी, ठीक है जब हम चले जाएंगे तब हमारी अहमियत पता लगेगी इन्हें, कोई नहीं लगेगी ना, दिख रहा है मुझे यहाँ पे कैमरे पीछे से ऐसे ऐसे जो कर रहे हो ना तुम, मुंडियां हिला रहे हो, आई कैन सी दैट वेरी वेल। कितने दिनों बाद ना ऐसा टाइम मिलेगा मुझे, मतलब मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। कैंसिल ना कर दूंगा मैं प्लान जितनी दिन, तो टिकट बुक हुई है, तो टिकट ही बुक हुई है, मायके का सीन, मायके का सीन कोई कैंसिल नहीं करता भाई, चाहे जो मर्जी बंदा कर रहा हो, जो बंदा ये भी बोलते ना मैं बैंकॉक जा रहा हूँ पीछे से, तब भी कैंसिल नहीं होते मायके के सीन। चल कैंसिल मैं कर देता हूँ टिकट, टिकट कैंसिल कर रहा हूँ मैं गाइस। मेरी मम्मी को भी से टेंशन हो गई, मैंने आज गलती से उन्हें बता दिया कि भाई मेरी शाम की ट्रेन है, सब पाँच साढ़े पाँच बजेगी और रात को पहुंचेगी 7:50, अभी से टेंशन में आ गई हूँ, हाय तू सुबह की नहीं मिली कोई, हाय दोपहर की नहीं मिली कोई, कैसे होएगा, कब आएगी, हाँ ये चल रहा था। तो तुम गाड़ी ले जाओ ना, मैं ले जाती हूँ, तुम देने वाले बनो, तू ले जा सुबह ले जा गाड़ी, जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएगी छुट्टी तेरी। दोपहर को मुझे आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से लेने तेरे को। मिलेंगे यार आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और बतक रहें। बतक रहें हाँ। और चिपकने वाली बात याद है ना, तो तैयारियां शुरू कर लो। सो आज का शाउट आउट है प्रांचल शर्मा के लिए, प्रांचल थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग अस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे लगते हैं आपके मैसेजेस और ऐसे ही करते रहो, कीप देम कमिंग, वी लाइक रीडिंग योर मैसेजेस, कीप शेयरिंग योर लव ऑन अस एंड थैंक यू सो मच प्रांचल फॉर बीइंग अ रेगुलर व्यूअर ऑफ द सीरी फैमिली चैनल। अच्छा गाइस कमेंट करके बताना, ओके दिस इज द कमेंट जो आज आपको करना है कि इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डू कमेंट। तो जो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज फॉलो करो, ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय बाय।